हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानून विवाद। फ्रेंड्स, अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं और ट्रैफिक पुलिस को देख के डर जाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस है, कोई भी चालान काट देगी, उस चालान के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रैफिक चालान किन किन चीज़ों पर कटता है, उनके क्या अमाउंट है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ट्रैफिक चालान से डरने की जरूरत नहीं है और कोई भी पुलिस वाला आपका ट्रैफिक चालान नहीं काटेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को हमें अपने पास में रखना होता है और किस किस चीज़ पे कितने अमाउंट का चालान कटता है और किस तरीके से हम ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास चाहे कोई बाइक हो या फिर कार हो, कोई भी कमर्शियल व्हीकल हो, तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आपकी व्हीकल हो, व्हीकल के ऊपर एक नंबर प्लेट लगा होना चाहिए जो कि HSRP होना चाहिए, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना चाहिए। अगर आपके व्हीकल पे HSRP नंबर नहीं लगा हुआ है या फिर आपकी नंबर प्लेट टूटी हुई है, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ₹5,000 का यहाँ पे ट्रैफिक चालान कटेगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप व्हीकल को निकालते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपके पास बिल्कुल नंबर प्लेट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास व्हीकल की RC होनी चाहिए, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, लेकिन RC होनी चाहिए। अदरवाइज इसके ऊपर भी 5,000 का चालान कटता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आप व्हीकल चला रहे हैं, आपकी व्हीकल 1 साल से पुरानी है, 1 साल तक तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन 1 साल बाद आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले आपको इसको बनवा लेना है, क्योंकि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए ₹10,000 का चालान कटेगा। अगर आप गाड़ी के ओनर हैं तो सिर्फ ₹10,000 का चालान कटेगा, लेकिन अगर आप ड्राइवर हैं तो ओनर के ऊपर ₹10,000 का, ड्राइवर के ऊपर ₹10,000 का, यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पे ₹20,000 का चालान कटेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस भी आप रिन्यू कराइए और एक्सपायर होने से कम 2 दिन पहले आप इसको कंप्लीट करा लें, अदरवाइज उसके ऊपर भी आपका चालान कटेगा। साथ ही साथ जब भी आप व्हीकल लेके निकल रहे हैं तो ध्यान रहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप कमर्शियल व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होने चाहिए। तो जो भी आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान रहे उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, अदरवाइज 5,000 रुपीज का आपको चालान कटेगा। लेकिन अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के ऊपर भी ₹5,000 का चालान कटेगा और मालिक के ऊपर भी ₹5,000 का चालान पेनाल्टी इसमें पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। तो प्राइवेट अगर आपकी व्हीकल है तो इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है तो उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं और कौन कौन से ऑफेंसेज हैं जिस पे हमें चालान कटता है। तो ध्यान रहे, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिंक करके ना चलाएं, दारू पी के ना चलाएं, ऐसे कोई भी नशा करके ना चलाएं कि जिससे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। हाल फिलहाल जो हमारे ऑफेंसेज हैं उसमें सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव की बात की गई है, लेकिन आप कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ खा के ना चलें जिससे कि कोई एक्सीडेंट होगा, अदरवाइज इस पे आपके ऊपर जेल भी होगी, साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल होगा। इसके अलावा जब भी आप रोड पे चल रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपके ऊपर ₹2,000 का ट्रैफिक चालान कटेगा। आप मोबाइल पे बात करेंगे तो उसके लिए 5,000 तक का चालान कटेगा। साथ ही साथ आप रेड लाइट जंप करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर ₹5,000 का चालान कटेगा। कोई भी आप इस तरीके से डेंजरस ड्राइविंग ना करें जिससे कि आपको और सामने वाले के लिए खतरा हो। तो ध्यान रहे कि डेंजरस ड्राइविंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, रेड लाइट नहीं जंप करना है, साथ ही साथ गाड़ी को उल्टे फ्लो में नहीं चलाना है। जैसे वन वे रास्ता है तो आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ऐसी कोई भी आपको हरकत नहीं करनी है। इस पे मोटा फाइन है, साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट होना चाहिए, अगर आप कार से चल रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उनका जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करते हैं,
ठीक है। तो ये इग्नोरेंस की वजह से चलान कटता है, क्योंकि देखो ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो, कार को चला रहे हो, तो सीट बेल्ट तो होता है, तो सिर्फ आपकी एक गलती कि आपने सीट बेल्ट को लगाया नहीं। जो सीट बेल्ट आपके पास अवेलेबल है तो आपको लगाने में मेरे हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अगर ड्राइव कर रहे हैं उस समय आपको मोबाइल फोन पे बात नहीं करना है, मोबाइल फोन पे बात करेंगे ध्यान भटकेगा, आपके लिए भी खतरा है और सामने वाले के लिए भी खतरा है। रेड लाइट नहीं जंप करना है, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी ट्रैफिक चालान नहीं कटेगा। साथ ही साथ जब हम रोड पे चलते हैं, रोड पे चलते वक्त कभी भी पुलिस वाले ऐसा नहीं होते कि कोई फ्लो में जा रहा है उसको रोकते हैं। जब भी कोई आप एक गलती करते हैं, उस गलती करने के बाद भी पुलिस वाले आपको रोकते हैं और उसके बाद फिर और भी आपके डॉक्यूमेंट नहीं रहते तो चालान कटते हैं। क्योंकि जब भी पुलिस वाले रोकते हैं नॉर्मल रास्ते में, तो कोई ना कोई आपने गलती की होगी जो कि दूर से ही देख के पता चल गया। मान लीजिए हेलमेट नहीं लगाया है तो आपको उसी के लिए रोकेंगे, आपका एक चालान तो कटता है विदाउट हेलमेट के लिए। अब हो सकता है आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं हो आपके पास, आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो, तो कोई ऐसा काम ना करे कि दूर से ही दिखाई दे जाए कि आप है। तो ध्यान रहे इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी ट्रैफिक चालान नहीं कटेगा। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जो कि कट गया है, आप उसको सेटल करना चाहते हैं दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट में चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको चालान से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स करके हमें से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। धन्यवाद।